विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। आज की व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय है अवशेष एंट्रोपी, अवशिष्ट एंट्रोपी धारणा, कथन एवं मूलभूत सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले ये वाला जो उक्त जो विषय है इसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से इकाई द्वितीय से अध्याय द्वितीय से ऊष्मागतिकी द्वितीय के रूप में चुना गया है। संक्षिप्त में विगत व्याख्यानों को मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूँ जिसमें हमने ऊष्मागतिकी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पद, ऊष्मागतिकी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियमों का समावेशित किया था, उन पर विस्तार से चर्चा की थी। मैं आपको संक्षिप्त में पुनः विगत व्याख्यानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जिसमें ऊष्मा गतिकी के कुल नियमों की संख्या जो होती है वो चार होती है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाता है। किसी भी तंत्र को दी गई कुल ऊष्मा का मान सदैव स्थिर होता है। गणितीय सूत्र विगत व्याख्यान में हमने डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के द्वारा प्रदर्शित किया था और हमने यह भी प्रतिपादित किया था कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को दर्शाता है। इसी क्रम में ऊष्मा गतिकी का जो द्वितीय नियम था वो एंट्रोपी की अवधारणा को दर्शाता है, अर्थात ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है उसका मान जो है उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। गणितीय रूप में विगत व्याख्यानों में कक्षा कक्ष में हमने ये व्यंजक भी उत्पन्न किया था जिसमें डीएस एंट्रोपी बराबर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के होता है। ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम जो है ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के ठीक व्युत्क्रम होता है, लेकिन बशर्त है कि आप इसमें कुछ विशेष शर्तों का पालन करें, कुछ विशेष शर्तों में आप तब्दीली लाएं, बदलाव करें, परिवर्तन करें। उदाहरणार्थ आप देखेंगे ऊष्मा गतिकी के तृतीय नियम के अनुसार जब हम आप देखेंगे कि जब इसमें जो है दो परिस्थितियों पर जो है हम बदलाव करते हैं, दो परिस्थितियों में बदलाव करने पर परम शून्य तापमान पर और पूर्ण विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान शून्य होता है। एक तरफ तो ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम यह बोलता है कि एंट्रोपी का मान जिसको अव्यवस्था का मापक्रम कहा जाता है उसका मान अव्यवस्था का मापक्रम जो है उत्तरोत्तर ब्रह्मांड में बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक उसके विपरीत ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम हमें संदेश देता है कि ब्रह्मांड में एंट्रोपी का मान सुव्यवस्थित है, अनुशासित है, लेकिन उसमें दो महत्वपूर्ण शर्तों का जो है समावेशित है। वो दो महत्वपूर्ण जो शर्तें हैं, एक तो है परशून्य तापमान और दूसरा है विशुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी परिवर्तन का मान जो है आप देखेंगे कि उसका मान शून्य होता है, जो लगभग नामुमकिन सा होता है, नामुमकिन सा प्रतिगत होता है। चौथा वाला जो नियम होता है ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम होता है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम में विगत व्याख्यानों में हमने सुपरिभाषित किया था। जब कोई भी ए बी सी तीन वस्तुओं में यदि हम प्रयोग में लेते हैं ए बी और दैट सी, ए बी और सी में यदि ए जो है बी से जो है तापी साम्य में होती है, बी सी से तापी साम्य में होती है, यदि हम किसी वजह से हम बी का जो है युग्मन विच्छेद कर देते हैं, संबंध विच्छेद कर देते हैं, ऐसी स्थिति में ए और सी जो है आपस में जो है ऊष्मीय तापी साम्य की स्थिति में होंगे, अर्थात ऊष्मागतिकी का शून्य नियम जो है तापमान को परिभाषित करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के मस्तिष्क से इस भ्रांति को मैं दूर करना चाहूंगा कि ऊष्मागतिकी के कुल दो नियम होते हैं या तीन नियम होते हैं। यथार्थ सही इस सवाल का सही जवाब होता है ऊष्मागतिकी के चार नियम होते हैं क्रमबद्ध तरीके से, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और शून्य नियम। उपरोक्त के अलावा प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में जो हमने जो है एक नई प्रकार की जो है एंट्रोपी का मान जो है उसको सुपरिभाषित किया था, उस सुपरिभाषित करने में जो है उसके कुछ प्रमुख अभिग्रहितों का आज हम जो है अवशिष्ट एंट्रोपी उसका नए विषय अवशिष्ट एंट्रोपी उसका कथन सिद्धांत और अवधारणा पर जो है अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, उक्त शीर्षक बीएससी पाठ द्वितीय के आप देखेंगे इकाई द्वितीय से प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से चुना गया है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि अवशेष जो एंट्रोपी जो है जिसको प्रतीक रूप में आर ई के द्वारा, तत् इसका कथन क्या होता है और अवधारणा क्या होती है, इसका प्रादुर्भाव जो है
कैसे हुआ, अवशिष्ट एंट्रोपी जो है हमसे क्या कौन सा संदेश देना चाहती है, ये कौन से नए प्रकार के एंट्रोपी होती है, एक सामान्य जो प्रकार की जो एंट्रोपी है डीएस उसको हमने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में सुपरिभाषित किया था, और जिसका मान हमने देखेंगे डीएस बराबर जो है आप देखेंगे इसमें डीएस बराबर डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी की जो है विगत व्याख्यानों में सामान्य एंट्रोपी के रूप में सुपरिभाषित किया था कि ब्रह्मांड में एंट्रोपी का मान जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन सवाल हमारे पास में ये खड़ा होता है, इस सवाल ये उठता है हमारे यहाँ पर कि ये अवशिष्ट एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको समझने के लिए महत्वपूर्ण अभिग्रहों पर हमें अपने ध्यान केंद्रित करना होगा। इसमें जो पल वाला जो हमारे पास में जो बिंदु है अवशिष्ट एंट्रोपी को सुपरिभाषित करने के लिए पहला जो आधार जो बनता है वो ये है कि कोई भी क्रिस्टल जालक जब आप प्रयोग में लेंगे तो क्रिस्टल जालक में अवस्था चरों में परिवर्तन की स्थिति में अनिश्चितता की स्थिति में अव्यवस्था की स्थिति में स्पेक्ट्रोस्कोपिक आंकड़ों एवं ऊष्माधारिताओं के मानों के आधार पर क्रिस्टल जालक के निर्माण में अवस्था चरों में परिवर्तनों के आधार पर तब्दीली के आधार पर विसंगतियों के आधार पर यह प्रेक्षित किया गया कि किसी भी क्रिस्टल जालक के निर्माण के लिए सैद्धांतिक एंट्रोपी और प्रायोगिक एंट्रोपी का मान समान नहीं होता। यह पहला प्रमुख अभिग्रहित है अवशिष्ट एंट्रोपी को सुपरिभाषित करने के लिए। फिर से पहला वाला जो अभिग्रह जो मैंने लिखा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक आंकड़ों ऊष्माधारिता के मानों एवं क्रिस्टलों में अव्यवस्था से ज्ञात हुआ है कि क्रिस्टल जालकों में क्रिस्टलों में ठोसों में टीएच थ्योरेटिकल सैद्धांतिक का मान प्रैक्टिकल के बराबर नहीं होता। इसको मेरे समीकरण नंबर एक के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, ये स्थिति वातावरण की वजह से भी उत्पन्न हो सकती है, ये स्थिति जो अव्यवस्था की वजह से भी उत्पन्न हो सकती है, अवस्था चर ताप दाब आयतन में अव्यवस्था की स्थिति विसंगतियों की वजह से भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में यदि हम क्रिस्टल जालकों के लिए यदि हम देखेंगे यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक धारिता स्पेक्ट्रोस्कोपिक आंकड़ों के आधार पर यदि उस विशिष्ट जालक क्रिस्टल के लिए यदि हम सैद्धांतिक जो एंट्रोपी और प्रायोगिक एंट्रोपी का मान निकालते हैं तो उस एंट्रोपी का मान समान नहीं होता। सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों का अंतर जो है अवशिष्ट एंट्रोपी कहलाता है, जिसको मैंने अगले वाले समीकरण में लिखा है डेल एस आर ई बराबर एस टी एच माइनस एस पी आर के होता है, जहां पर जो होता है डेल एस आर ई जो होता है डेल एस आर ई जो होता है रिजिडुअल कहलाता है, आर ई रिजिडुअल अवशिष्ट एंट्रोपी कहलाता है, अर्थात सैद्धांतिक प्रायोगिक एंट्रोपी मानों का अंतर अवशिष्ट एंट्रोपी कहलाता है, जिसको डेल एस आर ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इससे संबंधित गणनात्मक मान पर हम आने वाले समय में विस्तार से व्याख्या करेंगे। एक नए विषय के साथ फिर से आप सभी के बीच में सम्मुख उपस्थित होकर के विस्तार से जो है हम अवशिष्ट एंट्रोपी पर अपना विचार व्यक्त करेंगे, व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। फिर से आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।